तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो हमारे बिलिंग क्यूएस एंड साइट इंजीनियर्स के लिए है। ज़्यादातर के केसेस में मैं टारगेट कर रहा हूँ बिलिंग एंड क्यूएस इंजीनियर्स को, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा केस होता है कि एक सवाल पुटअप किए जाते हैं सीमेंट के कंजम्पशन को या फिर उनके कोफिशियंट्स को लेकर। जैसे कि किसी इंजीनियर से अगर पूछा जाए कि हमारा 12 mm का प्लास्टर है, उसका रेशियो अगर 1:4 या फिर अगर 1:6 का है, जिसमें 1 सीमेंट है 4 सैंड है, तो ऐसे में पर स्क्वायर मीटर में सीमेंट का कंजम्पशन कितना होगा, पर स्क्वायर मीटर में 1 kg मतलब कितना सीमेंट लगेगा, यानी कि kg पर स्क्वायर मीटर। अब 12 mm का एक हमारा एक जनरल केस है जो कि हमारा इंटरनल प्लास्टर होता है। इसके बाद में आ जाता है 15 mm का केस, सेम केस में। उसके बाद में हम ले लेते हैं 20 mm, 20 mm नहीं होगा तो 18 mm में आपको डबल लेयर में देखने को मिलेगा, जिसमें हमें बेस कोट 12 mm का करना होता है और टॉप कोट हमें 6 mm का करना होता है। इसका रेशियो हमारा अलग होता है, मे भी हो सकता है 1:6 हो और 6 mm का 1:4 हो। तो ऐसे में इनका जो कंजम्पशन का जो सीमेंट की जो क्वांटिटी है, इसको निकालने के लिए कोई ऐसा स्मार्ट मेथड है कि हमें इन चीज़ों को रटना ना पड़े और किस बेस के थ्रू हम इनको एक्यूरेट यानी कि करेक्टली ड्राइव आउट भी कर लें। सेम केस अगर यही चीज़ आप फॉलो करोगे, जैसे कि हमारी टाइल की फ्लोरिंग का काम होता है, टाइल की फ्लोरिंग हो गई या फिर आपकी क्लैडिंग हो गई, इसके बाद में स्टोन जो आपका ग्रेनाइट हो गया, इटालियन मार्बल हो गया, अगर वो सीमेंट मोर्टार के साथ लग रहा है या फिर उसकी क्लैडिंग होगी यानी कि वॉल पे डेडो हो गया, तो इसको निकालने का क्या एक स्मार्ट मेथड है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर ये मेथड अगर आपने याद कर लिया तो ऐसे जितने भी ये कोफिशियंट्स हैं इंटरव्यू में ज़्यादातर पुटअप कर ही दिए जाते हैं बिलिंग या फिर क्यूएस इंजीनियर से, या फिर आप कह सकते हो अगर किसी साइट इंजीनियर को साइट पर काम कराना है, उसको मटेरियल की रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो ऐसे जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इसके बेसिस पर आप एक्यूरेट क्वांटिटी निकाल पाओगे, और वो भी H पर CPWD जो आपका रिकंसिलेशन में भी यूज होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं जो QS बिलिंग एस्टीमेशन वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उनको एक स्किल्स की नॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारा AutoCAD हो गया, Revit हो गया, स्टैड प्रो हो गया, BIM हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर रही हैं और उनके एनवायरमेंट में काम करने के लिए उनके कमांड शॉर्टकट की सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं। तो ऐसे में सॉलिट्यूड एजुकेशन ने एक न्यू बैच स्टार्ट कर रही हैं जिसमें ये लोग 6 courses को सिखाने वाले हैं। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन ने कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको 6 सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे और ये बिल्कुल न्यू बैच है। इसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो होगी आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी, फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यानी कि ये सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इनमें आपके 300+ वीडियो के लेक्चर्स हैं। ये वैलिड ISO सर्टिफाइड सारे सॉफ्टवेयर होंगे, लाइव डाउट क्लासेस भी हैं और प्रैक्टिस मटेरियल भी है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें कवर हो रहे हैं, AutoCAD 2D एंड 3D, Revit स्ट्रक्चर, Revit आर्किटेक्चर, स्टैड प्रो एंड स्टैड फाउंडेशन, RCDC फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, MS Excel जो कि हमारी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी QS या बिलिंग का काम करने के लिए, एंड क्वांटिटी एंड शेड्यूलिंग। इसका जो रेगुलर प्राइस है इनका पहले 10,000 था, अभी ऑफर प्राइस में ये आपको 2,000 के आसपास मिल जाएगा। अब ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके लेटेस्ट वर्जन में हैं जो आपको बहुत सारी कंपनियों में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद में बात आती है कि इसका जो सर्टिफिकेट है कि कभी भी आप naukri.com पे प्रोफाइल बनाते हो या रिज्यूम बनाते हो, अगर ये सारे सॉफ्टवेयर आपके उसमें कवर किए हुए हैं तो उससे क्या होता है आपके जो टैग्स मैच हो जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें मैच होती हैं तो नौकरी या फिर जॉब के इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में ये सर्टिफिकेट भी आपके लिए काम आ सकते हैं।
और इसका जो वैलिडिटी है, इन्होंने ऑफर वैलिड फॉर 2 डेज़ के लिए रखा हुआ है और ये आपको सिर्फ 1999 में अवेलेबल हो जाएगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS से, और वहाँ से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो और इस कोर्स के बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कभी भी हमारे जो साइट पर जो मोर्टार होता है, तो ज़्यादातर के केसेस में हमारे यूज होते हैं 1:4 और 1:6। अब किसी भी मोटार को अगर बनाया जाए, अगर वो 1:4 के रेशियो में बन रहा है, तो उसमें आपका सीमेंट का कंजम्पशन होता है 380 kg और 1:6 में होता है 250 kg। इसको आप बोल सकते हो 7.6 बैग, क्योंकि मैं इसको डिवाइड बाई अगर 50 करूं, और 250 kg में हमारे आ जाते हैं 5 बैग। अब जो आपका मोटार बनता है, तो प्लास्टर को हम बेस मान के चलेंगे, क्योंकि प्लास्टर में जो आपका कंजम्पशन है किसी भी मोटार का फॉर 10 स्क्वायर मीटर के लिए, मैं एरिया ले रहा हूँ कि जो भी मोटार हम कैलकुलेट कर रहे हैं एच पर CPWD 10 स्क्वायर मीटर के लिए, अगर वो हमारा 12 mm का प्लास्टर है तो उसकी कंजम्पशन होती है 0.144 क्यूबिक मीटर। अब वहीं अगर हमारा ये 20 mm का हो जाता है तो 0.224 क्यूब। अब अगर हमें बोला जाए कि आपको प्लास्टर की क्वांटिटी निकालनी है 1:4 के रेशियो में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से सीमेंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई वाइज इसको सीधा कर दो आप 380, तो जो भी आपकी क्वांटिटी कैलकुलेट होके आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर की हुई है ये कैलकुलेशन, 380 में आ रही है 54.72। कितने एरिया के लिए है ये, 10 स्क्वायर मीटर के लिए है, डिवाइड बाई 10 करोगे तो 5.47 kg पर स्क्वायर मीटर क्वांटिटी निकलेगी। अब इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1:6 से, तो आपका क्या चेंज होगा, ये वाला जो पार्ट है चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, 0.144 × 250 इक्वल टू कितना जाएगा, 3.36 kg के आसपास, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 10 से, तो 36 / 10 ये हो जाएगा 3.6 kg पर स्क्वायर मीटर। तो आपका जो रेशियो है ये सारे आपके फिक्स रहेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ, अगर ये मेरा 6 mm का प्लास्टर होता, तो यहाँ पर मेरा आ जाता 0.072 क्यूबिक मीटर, कितने के लिए, 10 स्क्वायर मीटर के लिए, और अगर मैं 1:4 के रेशियो में निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा 380 से, और जो भी हमारी क्वांटिटी आएगी डिवाइड बाई 10 करके, वो कंजम्पशन आपका एच पर CPWD निकल जाएगा। अब मैंने इन दो को ही क्यों टारगेट किया है, उसका रीज़न है कि जितने भी आपके स्टोन लगते हैं, टाइल लगती हैं, तो उनमें अगर आपका फ्लोरिंग का काम होगा तो 20 mm का मोटार जाएगा, वहीं आपका जो स्टेयर केस में राइजर हो गई या स्टेप्स हो गई, स्कर्टिंग हो गई, तो उसमें 12 mm का रेशियो जाएगा। तो इसी के बेस पर, यानी कि आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमारा 12 mm में 0.144 क्यूबिक मीटर मोटार यूज होता है 10 स्क्वायर मीटर के लिए, जिस भी रेशियो का आपका निकालना हो। अगर मुझे मान लेता हूँ कि अगर मुझे 1:3 का रेशियो का निकालना हो, तो 1:3 में मोटार की हमारी कंजम्पशन आती है 510 kg की, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा डायरेक्ट 510 से, और जो भी कैलकुलेशन सेम एज इट इज हमारी क्वांटिटी निकलेगी वो 1:3 के रेशियो के लिए निकल जाएगी। अब वहीं मैं मान लेता हूँ कि अगर 15 mm का होता, सपोज 12 का हो गया, 20 का हो गया, 6 का मैंने बता दिया, 1, 2, 3, 15 mm का भी कभी कभी आ जाता है, तो इसका होता है हमारा 0.172। तो यानी कि आपको सिर्फ 6 चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है, यानी कि एक 15 mm में हमारा कितना मोटार लगता है, 6 mm में कितना लगता है, 20 mm में कितना लगता है, इसी के बेस पर ये सीमेंट के जो कंजम्पशन है रेशियो वाइज, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाई 10 करोगे तो पर स्क्वायर मीटर की कैलकुलेशन आराम से निकल जाएगी। और इसकी जो एक एक्सेल की सीट है वो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब समझते हैं कि जो आपकी टाइल फ्लोरिंग होती है या कोटा स्टोन होता है या मार्बल की फ्लोरिंग होती है, तो इन्हीं रेशियो के बेसिस पर उसमें और क्या क्या एडिशंस हो जाती हैं, तो इसको पहले मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
तो चलिए मान लेते हैं कि आप किसी एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू ने आपसे पूछा है कि हमें ग्रेनाइट की फ्लोरिंग करनी है, तो उसमें पर स्क्वायर मीटर में कितना सीमेंट का कंजम्पशन आता है। अब आप सभी को पता है कि जितने भी हमारी स्टोन फ्लोरिंग्स की आइटम होती हैं या क्लैडिंग की होती हैं, तो उसमें जो मोर्टार की थिकनेस हमारी 20 mm थिक की होती है, ठीक है। रेशियो आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो 1:4 का होता है। अब जैसे ही 20 mm थिक की बात आती है तो आपको याद रखना पड़ेगा जो हमारा प्लास्टर के बेस में था, क्योंकि मोर्टार आपका वही है, तो हमारे माइंड में सीधा क्लिक करेगा 0.224 और रेशियो कितना है 1:4, तो मल्टीप्लाई बाई डायरेक्ट करना है आपको 380, तो 85.1 kg आपका ये निकल के आएगा। अब पर स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी निकालनी है तो इसको डिवाइड करूंगा मैं 10 से, तो 8.51 kg ये हमारा मोर्टार का कंजम्पशन आ गया। अब कभी भी हमारा स्टोन का कोई भी काम होता है तो उसमें हमें सीमेंट की सिलरी को ऐड करना पड़ता है, और CPWD रिकमेंड करता है कि पर स्क्वायर मीटर में उसका कंजम्पशन 4.4 kg का है। इसको आप जब जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 12.91 kg पर स्क्वायर मीटर, तो यानी कि आपका जो आंसर है 12.91, इसको आपको बता देना है। अब इसके बाद में जो अगली रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर ये हमारा कोटा स्टोन की फ्लोरिंग होती है, क्योंकि कोटा स्टोन की फ्लोरिंग में होता क्या है कि अगर इसमें सीमेंट की स्लरी का पार्ट हमें और ऐड करना पड़ता है जो कि हमारा 20 kg होता है फॉर 10 स्क्वायर मीटर के लिए, तो हमारा 2 kg इसमें और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 14.91 kg। क्योंकि ये ग्रेनाइट फ्लोरिंग कोटा वाले ये काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू से पूछे जाते हैं, लेकिन इनको कैसे ड्राइव आउट करना है वो तरीका मैंने आपको बताया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाइल फ्लोरिंग की। तो वही सेम केस, अगर हमसे पूछा गया है कि टाइल फ्लोरिंग का कंजम्पशन कितना आएगा, तो टाइल फ्लोरिंग की भी हमारी स्टैंडर्ड आइटम होती है 20 mm थिक का मोर्टार, और इसका इसमें हमें कंजम्पशन लेना होता है 0.240। उसका रीज़न है क्योंकि स्टोन वाले में हम कितना ले रहे थे 0.224, यहाँ पर हल्की सी क्वांटिटी उन्होंने इंक्रीज कर दी है CPWD वालों ने। क्यों करी है कि जो आपका पत्थर का जो बेस बनता है और जो टाइल का बेस बनता है, तो टाइल आपकी पतली होती है, तो टाइल कहीं बजे ना, तो इसको इन्होंने और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है, क्योंकि टाइल आपकी पतली होती है उनके बजने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर हल्का सा वॉइड्स को कम करने के लिए उन्होंने यहाँ पर रेशियो बढ़ा दिया है। इसके बाद में हमारी स्टैंडर्ड आइटम होती है 1:4 के रेशियो के साथ जो आपका मोर्टार है, तो मल्टीप्लाई बाई सीधा करना है 380, तो आपकी जो क्वांटिटी निकल के आएगी इसमें 91.2 kg पर 10 स्क्वायर मीटर के लिए, ये मोर्टार आपका 10 स्क्वायर मीटर के लिए है। इसको डिवाइड करूंगा 10 से तो ये हमारा आ जाएगा 9.12 kg। अब टाइल को भी हमें स्लरी के थ्रू लगाना होता है, स्लरी का मीन हो गया कि उसके पीछे भी हमें पेस्टिंग करनी होती है, तो स्टोन के लिए हमारा था 4.4 kg और टाइल के लिए हमारा यूज होता है 3.3 kg, चाहे वो फ्लोरिंग हो चाहे वो क्लैडिंग हो, ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो इसको हम 3.30 को ऐड करेंगे तो 12.42। तो ये वाला जो कंजम्पशन हमारा निकल के आएगा वो एच पर CPWD टाइल के लिए है, ठीक है। अब इसी के बाद में अगर बात आ जाती है कि कहीं पर हमारा अगर मोटार 12 mm का हो जाता है, जैसे कि स्कर्टिंग के जो राइजर्स लगते हैं या उसकी जो भी हमारी फ्लोरिंग होती है, लैंडिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन कम होता है, तो 12 mm के साथ अगर यही सेम रेशियो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.144, जो हमारा बेस था प्लास्टर में वो उठा लिया, रेशियो आपका सेम रहेगा 1:4 का 380, मल्टीप्लाई करोगे आप तो जो भी क्वांटिटी ड्राइव आउट होके आएगी उसको आपको डिवाइड बाई 10 करना है, उसके बाद में जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी तो उसमें प्लस कर देना है 3.3 kg। तो ये जितने भी आपकी क्वांटिटीज निकल के आएंगी ये एच पर CPWD निकल के आएंगी, और इनको आप एज ए रिकंसिलेशन में भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक मेथड है कि कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि हमारा पर क्यूबिक मीटर में सीमेंट का कंजम्पशन कितना है, स्टैंडर्ड हमारा इसका रेशियो कितना है, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें ड्राइव आउट होती हैं। एक एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर ले रहे हैं कि अगर हमारा ब्रिक वर्क है जो हमारा मेजनरी का काम होता है, आपसे पूछ दिया कि पर क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट के बैग लगते हैं, अब ब्रिक वर्क का अगर 1 क्यूबिक मीटर काम किया जाए तो उसमें हमारा 0.25 क्यूबिक मीटर मोटार यूज होता है, 0.24 क्यूबिक मीटर है, अगर हमारा 1:6 का रेशियो इन जनरल आइटम होती है हमारी, और एक
चार की भी होती है, अगर मेरी एक छः की है तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा 250 से, तो हमारा निकल के आएगा 62.5 kg डिवाइड बाई 50 करूँगा तो ये हो जाएगा 1.25 बैग। ठीक है, तो ये ऐसे ये सारी क्वांटिटी ड्राइव आउट की जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बेसिक्स को अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस हैं या इतने सारे कोफिशियंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें कहाँ से कैसे ड्राइव आउट होती हैं, आपको कैसे वर्कआउट करना होता है, तो वो मेथड आपको मैंने बताया। और ये सभी कोफिशियंट्स ऐसे हैं कि ज़्यादातर के केस में किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं, वहाँ पर अगर रट के आप बताओगे तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को प्रॉपर कैलकुलेट करके बताओगे तो वो इंटरव्यूअर भी मे भी हो सकता है कि आपसे पूछते कि आपने ये कैसे किया। तो ऐसे इन चीज़ों को बताने का सही तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, और ऐसे ही एक QS बिलिंग QS इंजीनियर या फिर बिलिंग इंजीनियर वो इसी वे में ही काम करते हैं। जब भी किसी भी बिल को या रिकंसिलेशन को वो क्रॉस चेक करने बैठते हैं तो वो हैंड टू हैंड कैलकुलेटर से ही ये सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे प्लास्टर और फ्लोरिंग से रिलेटेड, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। यही सेम मेथड अगर आप यूज करोगे CPWD का जो DAR है या फिर DSR है, तो उनके सारे बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ड्राइव आउट हुई है, तो वो सारी कैलकुलेशन इसी बेस पे की गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।